आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, प्याज एक ऐसी सामग्री है जिसके बिना कोई भी सब्जी पूरी नहीं होती है। प्याज ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, लोग इसे सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं। वहीं ज़्यादातर सब्जियों और व्यंजनों में प्याज का इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने में जायका बढ़ा देने वाला प्याज सिर्फ स्वाद बढ़ाने की सामग्री नहीं है, इसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं। चलिए आज हम आपको 20 फायदे बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ 20 फायदे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो पहला फ़ायदा शुरू करते हैं। नाक से अगर खून आता है तो प्याज के रस की 2-3 बूंदें डालने से तत्काल खून आना बंद हो जाएगा। यानी कि जिन लोगों को नकसीर आती है और जिनके शरीर में गर्मी रहती है और थोड़ा सा भी दौड़ भाग करने से नाक से खून आने लगता है, तो आप क्या करेंगे, 2-3 बूंदें प्याज के रस की डाल लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको धूप में निकलना है तो आप कच्चा प्याज खाकर निकलिए, आप देखिए कभी भी आपको लू नहीं लग सकती। और तो और, अगर लू लग जाए तो प्याज का रस पीने और उसे तलवे पर मलने से आपको बहुत राहत मिलेगी। चलिए अगले फायदे की ओर बढ़ते हैं। अगर जोड़ों में दर्द हो तो सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से बहुत फायदा होगा। आपका जो हड्डियों का दर्द है और घुटनों का दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले फायदे की। प्याज के रस की कुछ बूंदें कान में डालने से कान के दर्द में राहत मिलती है। दर्द होने पर रुई की मदद से प्याज के रस की कुछ बूंदों को कान में डालने की सलाह दी जाती है। बराबर मात्रा में प्याज का रस और शहद मिलाकर खाने से सर्दी, खांसी और बुखार में राहत मिलती है। और तो और, कोरोना के इस टाइम में अगर प्याज के रस में शहद मिलाकर खाएंगे तो आप कोरोना से भी बचे रहेंगे। अगला फायदा देखते हैं। प्याज खाने से गैस्ट्रिक सिंड्रोम और कब्ज में फायदा होता है। प्याज में मौजूद फाइबर पेट साफ करने का काम करता है। प्याज त्वचा और बालों के लिए भी बेहद गुणकारी है। जैतून के तेल में प्याज का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से पिंपल्स यानी मुहासों से राहत मिलती है। दोस्तों, प्याज समय से पहले होने वाली झुर्रियों को कम कर देता है और त्वचा को जवान और स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा जू पड़ती हैं या आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, बालों की जड़ों में प्याज का रस लगाएंगे। आप देखेंगे कि आपको जादुई फायदा मिला है, आपकी जूं तो मरी जाएंगी, साथ ही जो आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो प्याज खाना शुरू कर दे, उसको नींद ज़रूर आने लगेगी। अगर आपको सिर दर्द होता है उसका भी प्रयोग आप देख लीजिए। 3 चम्मच पानी में 1 चम्मच प्याज का रस और चीनी मिलाकर खाने से आपका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। प्याज खाने से दांत और मुँह के दर्द में राहत मिलती है। अगर पीरियड के दौरान महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो प्याज खाना शुरू कर दें, उससे आपको निजात मिलेगी। पीरियड शुरू होने से पहले कच्चा प्याज खाने से फ़ायदा होता है। प्याज के रस से बालों की मालिश करने पर बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, साथ ही डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है। प्याज में क्रोमियम पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। रोज़ाना हम जिन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ज़्यादातर में क्रोमियम बिल्कुल नहीं पाया जाता। ऐसे में प्याज खाना आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। प्याज शरीर में ब्लड को जमने से भी रोकने का काम करता है। प्याज से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। डाइट में प्याज शामिल करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।